All, last session में हमने देखा कि टेबल्स क्या होता है। अब टेबल्स को create करने के लिए हमको चाहिए column और row. तो अगर हमको table create करना कॉलम्स जैसे कि कस्टमर आई डी कस्टमर नेम एड्रेस सिटी कंट्री ऐसे कॉलम्स होने चाहिए और डेटास अगर हमको इंसर्ट करना है रोज के अंदर उस टेबल के तो हमको कुछ ऐसे डेटा चाहिए एक कस्टमर का जैसे कि कस्टमर आईडी है जॉन कस्टमर नेम है एड्रेस प्लॉट है सिटी मुंबई है कंट्री इंडिया है तो इंसर्ट क्रिएट ये सब करने के लिए हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आर डी को कमेंड देना पड़ेगा एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू कि हमको ये क्रिएट करना है ये डेटास इंसर्ट करने हैं, तो चलिए जानते हैं कि एसकेल जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कमेंट्स देता है आर डी बी एम एस सिस्टम को चलिए देखते हैं कि एसकेल कमांड्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट एसकेल कमांड होता है डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सेकेंड इज डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थर्ड DCL, Data Control Language. DCL Transaction Control Language. इसके कंट्रोल में हम एक एक करके जानेंगे. Data Definition Language, DDL, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है SQL Language का, क्योंकि ये हेल्प करता है डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने में और मैनेज करने में कुछ सबसेट कमांड्स होते हैं डीडीएल के अंदर जैसे कि क्रिएट ड्रॉप अल्टर अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पे हमने एक कस्टमर टेबल क्रिएट किया है कोई भी व्यू क्रिएट करना है या फिर कुछ अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना हो तो हमको क्रिएट कमेंट देना पड़ेगा तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है टेबल तो ये कस्टमर टेबल है तो हमको यहाँ पे क्रिएट कमांड देना पड़ा अगर हमको सारे ये टेबल चाहिए जैसे कि कस्टमर टेबल हमको चाहिए लेकिन कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एड्रेस सिटी कंट्री ये सब कॉलम्स हमको नहीं चाहिए और ये जो रोज में जो डेटा इंसर्ट हुए हैं ये भी नहीं चाहिए तो हमको ट्रंकेट कमांड का यूज करना पड़ेगा जिसमें कि टेबल डिलीट नहीं होगा बट ये जो कॉलम्स है रोज है ये डिलीट हो जाएंगे ड्रॉप ड्रॉप कमांड हम तब यूज करेंगे जब हमको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल ये पूरा टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमेंड का यूज करेंगे ड्रॉप हम तब यूज करेंगे जब पूरा टेबल को हमको डिलीट करना है पूरा टेबल को ड्रॉप करना है ट्रंकेट कमांड हम तब यूज करेंगे जैसे जब हमको कॉलम्स और रोज डिलीट करना है उस टेबल का लेकिन टेबल डिलीट नहीं करना है अल्टर टेबल अल्टर टेबल हम तब यूज करेंगे जब हमको डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जैसे कि टेबल में कुछ अल्टर मोडिफिकेशन चाहिए तो अगर हमको यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं चाहिए हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो यहाँ पे हम उसको मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे डी एम एल डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अगर हमको डेटास को मैनिपुलेट करना है तो हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे इसमें जो सबसे कमांड्स होते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट होते हैं ये कमांड्स को यूज करके हम डेटास में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर डेटास को मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमको रोज के अंदर ये डेटा एंटर करना था 209 जॉन प्लॉट 99 मुंबई इंडिया तो हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे अगर हमको कुछ अपडेट करना है मॉडिफाई करना है टेबल के अंदर जैसे कि हमको यहाँ पे थ्री जीरो सेवन लिखा है लेकिन कस्टमर आईडी हमको चेंज करके थ्री जीरो एट लिखना है यहाँ पे जेरी चेंज करके हमको लिखना है रिम तो हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का डिलीट कमांड डिलीट कमांड हम तब यूज करेंगे हमको जब ये डेटा नहीं चाहिए ये रो अगर हमको नहीं चाहिए तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे कमांड कमांड हम तब यूज करेंगे अगर हमको थ्री जीरो सेवन एक कस्टमर आईडी है और हम उस कस्टमर नेम को हमें नहीं पता प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट कस्टमर तो हम सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको टू जीरो नाइन जॉन कस्टमर है तो उसका हमको एड्रेस नहीं पता या फिर कंट्री नहीं पता तो हम सिलेक्ट करके उसका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं तो अगर हमको पूरा टेबल का डेटा uh, रिट्रीव करना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे तो ऐसे ही इन सारे कमेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मेरे सेशंस को प्लीज देखते रहिएगा टीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये एक ऐसा लैंग्वेज है एसक्यूएल का जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करता है डेटा बेसिस के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने में फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया है और मैं उस एम्प्लॉय को ग्रांड uh, दूंगी या फिर उसको बोलूंगी यू हैव द एक्सेस टू यूज दिस टेबल कस्टमर टेबल को वो यूज कर सकता है और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है इंसर्ट कर सकता है तो मैं उसके लिए ग्रैंड कमांड का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ग्रैंड कमांड में मैं उसको प्रिविलेज परमिशन दूंगी उस यूजर को कि वो इस टेबल को यूज कर सकता है इसमें मॉडिफिकेशन इंसर्ट कुछ भी कर सकता है लेकिन वो एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ दिया तो मैं उससे उस परमिशन को रिवोक कर सकती हूँ तो मैं तब रिवोक कमांड का इस्तेमाल करूँगी कि मैंने उस जो प्रिविलेज दिया था कि ये टेबल वो यूज कर सकता है तो मैंने उस परमिशन को वापस ले लिया है और वो इस टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन इंसर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है तब मैं ग्रैंड और रिवोक

डेटा इंटीग्रिटी में और डेटा को सिक्योर करने में हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं एक कस्टमर ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया है और उस कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा ना अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देगा आफ्टर टोटल अमाउंट उसको शो करने के बाद तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देगा या फिर कोई यूपीआई एड्रेस देगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए तो जब उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो डिटेल्स देते हैं या फिर यूपीआई एड्रेस देते हैं उसको सिस्टम क्या करता है चेक करता है चेक करने के बाद अगर सब कुछ करेक्ट हुआ अगर वो डिटेल्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स करेक्ट हुए तो वहां पे हमारे सारे जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे और डेटाबेस उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर देगा क्योंकि वहां पे हमने कमिट कमांड का इस्तेमाल किया है कमिट जब हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो मतलब कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सही हो तो वहां पे कमिट हो जाएगा रोल बैक कमांड हमने इस्तेमाल किया होगा अगर वहां पे कस्टमर ने कुछ भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स में मिस्टेक्स किए हैं तो वहां पे हमने कमांड दिया होगा डेटाबेस को कि रोल बैक कर दो तो वहां के सारे ट्रांजेक्शन और वो जो शॉपिंग है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा वहां पे अनसक्सेसफुल शॉपिंग दिखाएगा क्योंकि उस कस्टमर ने गलत क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दिया है तो वो रोल बैक कमेंट यूज किया गया होगा वहां पे कमिट कमेंट यूज तब करते हैं जब सारे चेंजेस जैसे कि वहां पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर करेक्ट हुआ तो कमिट कमांड का यूज करके वो शॉपिंग सक्सेसफुल हो गया करके हम उस कस्टमर को मैसेज करके तो ये कमिट और रोल बैक में डिफरेंस है और ये हमारा कौन सा लैंग्वेज है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो कि ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमारा वर्क बेंच इंटरफेस कैसा होता है थैंक यू